हम पूरी तरह से ओलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं या फिर गाय का ऑर्गेनिक घी। हम पराठा भी सर्व करते हैं लेकिन इसमें 6 अनाजों का मिक्सचर होता है। हम चपाती भी बनाते हैं पर वो किनुआ चपाती होता है। ना दूध, ना शुगर, ना तेल और ना ही मैदा, फिर भी आपको मिलेगी खाने पीने की हर वो चीज जो सेहत के लिए कहीं से भी नुकसान देने वाली नहीं होगी। यही दावा करते हुए कैफे इंचार्ज अपने कैफे को यूनिक बताते नजर आए। आपको बताएं, ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारा फैब कैफे जो कोयंबटूर में है। यहाँ हम चिकन मोमो की जगह उसमें भी टेस्टी मोमो कटहल के इस्तेमाल से बनाते हैं। यही हाल हमारे यहाँ आइसक्रीम के साथ है। हम बिना किसी दूध और डेयरी प्रोडक्ट के आइसक्रीम बनाते हैं, जो कोकोनट कैरेमल आइसक्रीम, दूसरा है बेरी आइसक्रीम जिसमें हम स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी एंड ग्रासबेरी का यूज करते हैं। शुगर की जगह हम पाम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी सेहतमंद चीजों का ही इस्तेमाल करने वाले इस कैफे में 40 से ज्यादा डिशेस बनाई जाती हैं। इन्हें बनाने में ऑर्गेनिक सामानों का उपयोग होने से इसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में बने इस खास रेस्टोरेंट को लेकर इसका मैनेजमेंट कई दूसरे दावे भी कर रहा है। अब लोग चुकी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इसलिए फैब कैफे की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। इस फैब कैफे में फैब इंडिया टीम की तरफ से तैयार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस भी हैं, जिनके तहत हम गोभी के साथ ऑर्गेनिक घी, ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और चिकन की जगह जैक फ्रूट का। आज के बिजी होते लाइफस्टाइल में लोग ऐसी बीमारियों से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं जिनमें उन्हें तेल, डेयरी प्रोडक्ट और मैदा से परहेज करना होता है। जबकि तरह तरह के त्योहारों वाले हमारे देश में खाने पीने के शौकीनों की भी कमी नहीं है। ऐसे में लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए रेस्टोरेंट खोलने की ये पहल प्रेरणा देने वाली है। वक्त की डिमांड को देखते हुए ऐसे कैफे और जगहों पर भी खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।